नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिले का महिला अस्पताल का विवादों से पुराना नाता रहा है। कारण एक है कि अवैध वसूली, लेकिन इस बार अवैध वसूली का आरोप कोई मरीज या उसके दावेदार नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य विभाग में तैनात आशाओं ने लगाया और महिला अस्पताल में प्रदर्शन कर स्टाफ नर्स को हटाने की मांग की। महिला अस्पताल में आज आशाओं ने हंगामा मचाया। दरअसल आशा सुभावती का आरोप है कि स्टाफ नर्स स्मिता राय मरीजों से अवैध धन की उगाही करती है। इसको लेकर उनसे तूतुमय हो गई तो उन्होंने सीएमएस से शिकायत की। इधर स्टाफ नर्स स्मिता राय ने भी आशा सुभावती के खिलाफ सीएमएस से शिकायत की। इसी को लेकर आशा आंदोलित हो गई और महिला अस्पताल में प्रदर्शन किया। स्टाफ नर्स स्मिता राय को हटाने की मांग की। उनका आरोप है कि जब भी कोई आशा मरीज को लेकर अस्पताल में आती है तो उनको वह डांटती हैं। यही नहीं, मरीजों से 2 से 3 हज़ार की वसूली करती हैं। वहीं सीएमएस का कहना है कि आशाओं ने आरोप की जांच के लिए उन्होंने सीएमएस को लिखा है। वहीं स्मिता राय आरोपों की जाँच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उनका कहना है कि अवैध वसूली के संबंध में वे मरीजों से पूछती हैं तो उनका कहना है कि वो खुशी से दे रही हैं, मरीज शिकायत भी नहीं करते। सर, मैं आजमगढ़ जिले से कोषाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष थी आशाओं की, लेकिन अब कोषाध्यक्ष हूँ। और जो भी हमारी आशाओं को दिक्कतें परेशानी आती है तो हम इन लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि आशा हमारी दूर दरार हर घरों में जाकर के टीकाकरण से लेकर पंस पोलियो अभियान तक जो भी है टीबी का जो भी अभियान रहता है, मेरी आशा घरों घरों में जाकर काम करती हैं और जाकर के महिलाओं को वहां जाकर घर में गांव में सूचना देती हैं कि आप लोग जिला महिला चिकित्सालय जाएंगी तो आप लोगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा, डिलीवरी भी बढ़िया से होगी, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। यहाँ आने के बाद क्या होता है कि जो भी स्टाफ नर्स हैं वो तो सही हैं, लेकिन इसमें एक गलत स्टाफ नर्स है जो कि स्मिता राय है। वो कहती है मरीजों से कि आशा को लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि आशा पैसा नहीं देने देगी, तो इसलिए कहती है कि आशा को दूर करो। दूसरी बात, आशा को बुलाकर कहती है कि तुम क्यों आई हो, भागो, तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है डिलीवरी करवाना। अरे तुम अगर डिलीवरी करवाना तो हमारा काम है तो गांव से ढोकर लाना, 3-4 जांचें करवाना, उनको इंजेक्शन लगवाना, सारी जिम्मेदारी तो आशा की भूमिका है। यहाँ तक ले आने की जिम्मेदारी आशा की है। तुम तो यहाँ आएंगे मरीज तब तो जाकर के डिलीवरी करवाओगी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? और हमारे आने के बाद आपको जब सुन ली हो कि हम आ गए हैं, तुम ड्यूटी छोड़कर भागी क्यों हो? स्मिता राय मुर्दाबाद, स्मिता राय को सस्पेंड करो। हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से निकाल करके या तो सस्पेंड कर दिया जाए यहाँ से, या तो इसका ट्रांसफर यहाँ से कहीं और कर दिया जाए। डिमांड की जाती है आप लोगों से कितने पैसे की, मरीज से कितने? 2000 से लेकर 3000 तक मेरी मांग हो जाती है। 3000 और लोग नहीं कहते हैं, ये डंके के चोट पे कहती है। इतना ही नहीं, बाकी स्टाफ नर्सों से भी लड़ती हैं ये। तो इसकी शिकायत आपने यहाँ के सीएमओ साहब से कहे तो सीएमओ साहब कहे बेटा जी मैं क्या करूँ, वो तो अजमतगढ़ में भी मार खा के आई, मारो तुम लोग, ऐसा कोई अधिकारी कहता है? हम तो सीएमओ साहब की मांग करने गए थे। देखिए, दोनों लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दिया है। स्मिता राय ने हमको आशा के खिलाफ दिया है और आशाओं के खिलाफ स्मिता राय ने लिख के दिया है और आशाओं ने स्मिता राय के खिलाफ दिया। जो आशाओं ने स्मिता राय के खिलाफ दिया वो हमने जांच कमेटी यहाँ बिठा दी, और जो मतलब आशाओं की शिकायत स्मिता राय ने लिखी है वो मैंने सीएमओ को फॉरवर्ड कर दी, क्योंकि आशा तो मेरी कर्मचारी नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट कुछ कर सकती हूँ। तो वो सीएमओ साहब को फॉरवर्ड कर दिया कि भाई आशा आपकी कर्मचारी है, आप देखिए इस मैटर में। स्मिता राय का क्या आरोप है? अरे वो उसने कुछ कुछ उल्टा सीधा बकवास किया था, वो क्या नाम है आपकी आशा सुभावती ने उनसे, है ना, वही सब लिखा पड़ी खाली फालतू की। तो मैडम इस समय स्मिता राय फरार है तो आप कैसे देख रहे? फरार है? नहीं। अच्छा घर चले गए, वो मतलब ये सब देख के मॉल चली गई होंगी, अभी तक सुबह से ड्यूटी पे ही थी। इस तरह का आरोप में मैडम किस तरह की आम आदमी इस सदर हॉस्पिटल में उम्मीदें लेकर आता है? अगर 2000 रुपए की डिमांड की जा रही है और आपके संज्ञान में तो आपने पहली देखिए, मेरे संज्ञान में 2000 रुपए 3000 रुपए की नहीं है, सब ये सब मेरे संज्ञान में नहीं है।
हाँ ये लोग लेते हैं और जब हम लोग मरीजों से पूछते लिख के दो तो बोलते हैं हमने खुशी नहीं दी, हमने खुशी अपनी खुशी से दिया तो क्या करते हैं। कोई अगर लिख के हमें शिकायत देगा कि वो तभी तो मैं कुछ करूँगी ना, बोलूँगी हमने खुशी में दिया तो हम क्या करें। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।